अज साढ़ा इत्थे प्रोटेस्ट हा एक निकाहरा जिहड़ा साढ़ा रामनगर बसंतगढ़ रोड है एक मेन रोड है साढ़े इलाके का तहसील बसंतगढ़ है और उहदा मेन रोड जेहड़ा है रामनगर टू बसंतगढ़ है लगभग 30 दिन का बंद पिया है गंध टाप जी लैंडस्लाइडिंग हुई ही 2020 लेकिन अज तक इत्थे देखने ही असी बड़े बड़े लारे दी आ रही है सरकार बड़े बड़े आश्वासन जेके सरकार तरफ तक दिते जा रहे हैं लेकिन गंध टाप का जेका रोड है अज भी बंद पेदा 30 दिन हुई है लेकिन कोई पुछने वाला इतने है नहीं है अस PMGSY के जेडे कंट्रैक्टर ने अस उन्हें भी आखना चाहने कि भाई इसी रोड अगर तुम तो नहीं चलाई सकते हो तो सरेंडर कर दियो PMGSY डिपार्टमेंट अगर इसी नहीं चलाई सकता है तो अपना एक रिजाइन करी लै के भाई अस इसी नहीं चलाई सकते हैं और जी इतने मुश्किलात लोगों दियाँ कोई सुनने तैयार नहीं है अस DC उधमपुर को भी एक मांग करने कि DC उधमपुर सुनने से तो आवरदा कि बहुत अच्छे आदमी और पिछले दिनों उन्हें बसंतगढ़ का टूर भी किया तो उन्हें ये गल DC उधमपुर ने भी बोली बसंतगढ़ कि 2 दिन से तुहाड़ा रोड जेका चलाया जाग रामनगर बसंतगढ़ लेकिन DC उधमपुर के 15 दिन होने के बाद भी अज तक जेहड़ा रोड है वह फिर भी बंद पेदा है गंध टाप लैंड स्लाइडिंग है मशीनरी उत्थे रखी दी है लेकिन काम करी कोई राजी नहीं है कोई बड़ा ज्यादा काम भी नहीं है उत्थे कि रोड निकली नहीं सकता है अगर काम कर तो 1-2 दिन चो रोड क्रॉसिंग हो सकती है वड्डी गड्डी नहीं भी होग तो निक्की गड्डी की क्रॉसिंग हो सकती है लेकिन अज साड़ी जी तहसील है बसंतगढ़ उसी एक ऐसे खुडे लाइन उपर रखे दा कि उसकी गल सुनने लिया कोई नहीं रहा इतने और मैं एडमिनिस्ट्रेशन की भी आखी देना चाहना DC उधमपुर की भी आखना कि ये हिंदुस्तान का एक जम्मू कश्मीर का हिस्सा बसंतगढ़ है ना कि कोई दूई कंट्री का हिस्सा है कि तुसें रोड एक बंद करी ओड़ेआ और पुछने आला कोई नहीं है ना इत्थे कोई DC उधमपुर की भी असें उंदे दफ्तर जाहिर भी एक बारी असें रिक्वेस्ट की थी कि तुस बसंतगढ़ का टूर करो लेकिन अज तक DC उधमपुर ने आए अगर लाटी आले रस्ते आए चलो ठीक है बसंतगढ़ आए लेकिन इस रोड की भी उन्हें देखना चाहिए इतने भी आना चाहिए लोगों की कितनी परेशानी वर्दी है अज अगर कोई बीमार हो जाता तो क्रॉसिंग की कोई और नहीं है इतने सुविधा कोई गड्डी की सुविधा नहीं है अगर कोई बीमार पेशेंट है कोई बच्चे होना कुसै लेडीज की वह अगे पिछे ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं और इतने इन्नी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पवा बसंतगढ़ तहसील के बाद जी है CMR है चकाल है रसलीगेन ठकराई और छतरैड़ी जड़ियाँ पंचायतें इन्हें तहसीलें पंचायतें जरा बसंतगढ़ कम हों तहसील हैडकुआटर कम होंगे लेकिन आने जाने की कोई सुविधा नहीं है लोग इन्ने ज़्यादा हरास हो रहे हैं इतने कि मजबूरन इन्हें कोई बड़ा प्रोटेस्ट करना पौना एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ अस एक मांग करना चाहते हैं कि प्रोटेस्ट के बगैर अगर साढ़े रोड की चलाउन तो बहुत बहुत थैंक यू और ये जी सरकार जी है BJP की खासकर सरकार है पूरे हिंदुस्तान से डंका बजदा झूठ बोलने कुसै मनदे नहीं हैं लेकिन अज तक अगर अस लोकें दसना चाहचै मीडिया के थ्रू कि इस BJP सरकार ने किया किश भी नहीं है अज 30 दिन होइए ने बसंतगढ़ रोड पहली बारी बंद इतिहास से पहली बारी हो रहा कि इन्ना चिर बंद रह रहा एक तहसील हैडकुआटर है लेकिन अज तक रोड नहीं खोली सके शुक्रिया अस इस वीडियो के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन की भी आखना चाहते हैं तहसील एडमिनिस्ट्रेशन की भी आखना चाहते हैं कि SDM साहब की भी आखना चाहते हैं तहसीलदार साहब की भी तुस भी थोड़ा फोकस करो इस रोड उपर और DC उधमपुर बहुत अच्छे एक होनेस्ट आदमी अस उन्हें एक बारी फिर रिक्वेस्ट करने और साढ़ा एक डेपुटेशन जगह DC उधमपुर की 1-2 दिन भी मिलग कि इस रोड की जल्दी एरिया ओपन किया जा और LG जगह साढ़े जम्मू कश्मीर के उंदी भी गल्लां DB उप्पर अस देखने ते बड़ियां बड़ियां होंदियां लेकिन अस उनी भी आखना चाहने आ कि भाई साढ़े जोले हत्थ करियै तुहाडा अगर रिक्वेस्ट है कि इस रोड की खोलिया जा और बसंतगढ़ दे लोकें जेका परेशान करा दे ओ तुस ओहदे कोला थोड़ी राहत जेकी है लोकें दित्ती जा थैंक यू।